नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना कीमती वोट हमें देके विजयी बनाएं। ऐसा कुछ नहीं है, चुनावी माहौल जा चुका है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यूजीसी और एनपीएससी के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प कन्वर्सेशन है, जिसमें एनपीएससी की तरफ से सुधा आचार्य जी यूजीसी के चेयरमैन एमजी कुमार जी से पूछती हैं, श्रीमान कुछ प्राचार्य और कुछ अध्यापक का एक क्वेश्चन है कि यदि आप सीयू सेट में 12वीं का वेटेज खत्म कर देते हो या कम कर देते हो, तो ऐसे में कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे को 10वीं के बाद सीधे कोचिंग संस्थानों में भेजना पसंद करेंगे, ना कि उनको 12वीं की परीक्षा या 12वीं की पढ़ाई में दिलचस्प लेने देंगे। ये बात बहुत अच्छा है। आप सभी को पता है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी के नए एक डिसीजन में सीयूईटी जैसा एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है, जिस समय 12वीं के बाद आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाना चाहते हो तो उसका एक सेंट्रलाइज एग्जाम होगा और उसी के मेरिट के बेसिस पे आप भारत के अलग अलग विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकोगे। अब यूजीसी ने इस समस्या पे क्या बात रखी होगी, इसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं। दो बातें बताई, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। क्या? पहला कि श्रीमती जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग 12वीं को एकदम से डिनाई कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, हम लोग 12वीं के बस परसेंटेज या मार्क्स को खत्म करें, यानी अब 60% या 90% पाने वाला बच्चा बराबर होगा, लेकिन यहां पे एक मिनिमम कट ऑफ फिक्स किया जाएगा, जैसे जेई मेन में होता है, जैसे बाकी किसी एग्जाम में होता है। यानी आप 12वीं में अभी भी आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आप उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को पार कर सको, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी उन्होंने फ्रीली डिसीजन छोड़ा कि यूनिवर्सिटी का अपना जो रिजर्वेशन और कट ऑफ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसको वो फॉलो करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूजीसी यूनिवर्सिटीज के प्राइवेट पॉलिसीज में जाके इंटरफेयर कर रहा है, वो बस गाइडेंस जारी कर रहा है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी रिजर्वेशन एज इट इज होगा, कट ऑफ एज इट इज होगा, बस वो बच्चों को एक मेरिट के अकॉर्डिंग देने की काम करेगा। पहला। दूसरा क्या है, उन्होंने बोला श्रीमती जी आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी का जो न्यू सिलेबस है, यानी जो पहला अभी बन रहा है, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को फॉलो करेगा, उसी पे बेस्ड होगा, तो ऐसे में 12वीं पढ़ना मस्ट हो जाएगा। सो गाइज, आप लोग ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट मुद्दा है कि यदि एनसीईआरटी को बेस बनाया गया, यानी अगर उसको प्रायोरिटी दी गई, तो बाकी स्टेट बोर्ड का क्या होगा, कैसे वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएंगे? नो डाउट कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सेक्शन को तो वो अच्छे से कर पाएंगे, डोमेन में हालत खराब होने वाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि मुद्दा क्या होगा और सोल्यूशन क्या निकलेगा। सो गाइज, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल। मुस्कुराना बिल्कुल ना।